स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो क्लास नाइन्थ के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपको बताने वाले हैं आपका जो शैक्षिक सत्र है सन 2021-2022, इस शैक्षिक सत्र के लिए हिंदी के सिलेबस में जो परिवर्तन किया गया है, यानी हिंदी की पाठ्य पुस्तक से आपको कौन कौन से पाठ पढ़ने हैं गद्य खंड के, और कौन कौन से काव्य खंड के पाठ पढ़ने हैं, और कौन से संस्कृत खंड से आपको पाठ पढ़ने हैं, इस वीडियो के द्वारा हम आपको विधिवत और सबसे सरल तरीके से जानकारी देंगे। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गद्य खंड हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु सन 2021-22 के लिए। गद्य खंड हेतु जो निर्धारित पाठ्य वस्तु है, यानी कौन कौन से पाठ आपको गद्य खंड में पढ़ना है कक्षा 9 हिंदी की पाठ्य पुस्तक में, सबसे पहले आपको मंत्र पाठ, जिसके लेखक कौन है मुंशी प्रेमचंद, और दूसरा पाठ आपको पढ़ना है गुरु नानक देव पाठ के लेखक कौन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, और तीसरा पाठ आपको पढ़ना है गिल्लू, और गिल्लू के लेखक या रचयिता कौन है या लेखिका कौन है महादेवी वर्मा जी, और महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाता है कक्षा 12 की भी और कक्षा 9 की भी। तो अगला पाठ आपको कौन सा पढ़ना है निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा, जिसके लेखक कौन है काका कालेलकर, और अगला पाठ आपको पढ़ना है सड़क सुरक्षा एवं यातायात, और इसके बाद आपको अगला पाठ जो है तोता, जिसके लेखक कौन है रविंद्रनाथ टैगोर। तो आपको हिंदी गद्य खंड से सिर्फ और सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5 और 6 पाठों को पढ़ना है। इन्हीं पाठों से आपकी परीक्षा में प्रश्न आने हैं। और अब आपको मैं बता दूं कि काव्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु क्या है, यानी सन 2021-22 के लिए आपको काव्य खंड में कौन कौन से पाठ पढ़ने हैं और उनके रचयिता कौन हैं। तो सबसे पहले आपको कबीर दास जी के द्वारा रचित साखी शीर्षक पाठ को पढ़ना है, और कबीर दास जी की जितनी भी साखियां आपकी पाठ्य पुस्तक में हैं उन सभी का मैंने संदर्भ व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य से रिलेटेड वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में उपलब्ध करवा दिया है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। और दूसरा पाठ जो कि पदावली नाम से है, जिसकी रचनाकार कौन है मीराबाई, और अगला जो पाठ है यानी अगला शीर्षक कविता जो है पंचवटी, जिसके रचयिता कौन है मैथिली शरण गुप्त जी, और अगला है हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा रचित कविता पथ की पहचान, इसे भी आपको पढ़ना है। और इसके बाद आपको पढ़ना है संत रैदास जी का प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। तो इस तरह से आपको काव्य खंड में कबीरदास, मीराबाई, मैथिली शरण गुप्त, हरिवंश राय बच्चन और संत कबीर, यानी यहाँ से आपको कुल 1, 2, 3, 4 और 5 कवियों को ही पढ़ना है। और संस्कृत खंड के लिए कौन से पाठ आपको पढ़ना है इस बार वंदना पुरुषोत्तम रामा, और अगला पाठ आपको क्या पढ़ना है सुभाषितानि, और अगला पाठ आपको पढ़ना है परमहंस रामकृष्णा, और अगला जो पाठ आपको संस्कृत खंड से पढ़ना है कृष्णा गोपाल नंदना।
और एकांकी खंड से आपको कौन से पाठ पढ़ने हैं, यानी कौन कौन सी एकांकी पढ़नी है। तो इस बार आपको दीपदान एकांकी, जिसके रचनाकार कौन है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी, इस एकांकी को पढ़ना है। और दूसरी एकांकी है लक्ष्मी का स्वागत, और जिसके रचयिता यानी जिसके लेखक कौन है, उपेंद्र नाथ अस्क जी हैं। आपको दो ही एकांकी इस बार पढ़ना है। तो आपको इस वीडियो को अपने मित्रों में भी शेयर करना है, ताकि आपके साथ साथ आपके मित्रों को भी अवगत हो जाए कि इस बार आपको हिंदी गद्य खंड से और हिंदी काव्य खंड से तथा हिंदी संस्कृत खंड से कौन कौन से पाठ इस बार पढ़ने हैं। आप उन्हीं की विधिवत तैयारी कीजिए, और आपको इस चैनल पर हिंदी गद्य खंड से, हिंदी काव्य खंड से तथा हिंदी संस्कृत खंड से महत्वपूर्ण और चैप्टर वाइज वीडियो देखने को मिलेंगे। और आपको चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर कबीरदास जी की जितनी भी शाखियां हैं उनका जो है संदर्भ व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य से रिलेटेड वीडियो देखकर अपनी तैयारी विधिवत ढंग से करना प्रारंभ कर दें, और चैनल के साथ जुड़कर अपनी पढ़ाई को विधिवत ढंग से करना प्रारंभ कर दें। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।